तक। मैडम, एक थायराइड इन प्रेगनेंसी क्या चीज़ होती है? थायराइड इन प्रेगनेंसी के बारे में मैं डॉक्टर नीरज पहलाजानी रायपुर से आज आप लोगों से बात करूंगी। थायराइड हार्मोन एक ग्रंथि होती है थायराइड हमारे शरीर में, जो कि गले में सिचुएटेड होता है, और इससे TSH नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है। और इस हार्मोन के काफ़ी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी में कैल्शियम किस तरीके से यूटिलाइज होता है उसको रेगुलेट करना, और हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करना। अगर थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा होता है तो उससे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, खासकर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने की वजह से। और अगर यही थायराइड प्रेगनेंसी में गड़बड़ करता है तो मदर को तो ये जो इफेक्ट करेगा उससे कहीं ज़्यादा असर ये बच्चे पर भी डाल सकता है। तो अगर TSH के लेवल ब्लड में बढ़े हुए हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में थायराइड हॉर्मोन्स की कमी है, क्योंकि TSH वो हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है और थायराइड हार्मोन को, थायराइड के ग्रंथि को सिग्नल करता है थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। तो अगर TSH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ब्रेन कोशिश कर रहा है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए कि वो ज़्यादा थायराइड बनाए। तो TSH का बड़ा होना मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे हम आम भाषा में कई लोग बोलते हैं मोटा होने का थायराइड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो हमारे जो शरीर की पचाने की ताकत है, फैट एसिमिलेट करने की ताकत है, वो सब अफेक्ट होती है और हमारा वजन बढ़ता चला जाता है, हम लोग स्लो हो जाते हैं, हमारे को मूड स्विंग्स इरिटेबिलिटी आती है और कई हमारी बोन्स भी वीक हो जाती है, बेसिकली स्लो डाउन रिएक्शंस भी स्लो हो जाते हैं। और यही TSH अगर ब्लड में कम है तो इसका मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, वो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो जिसे आम भाषा में पतला होने वाला हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो बॉडी में फैट नहीं आ रहा है, हम लोगों को घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, पैल्पिटेशंस मतलब कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, तो ये सब लक्षण हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो मदर्स में तो ये सब लक्षण आते ही हैं, साथ के साथ ये प्रेगनेंसी को भी नुकसान कर सकता है। प्रेगनेंसी में अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करें तो ये चांसेस बढ़ा देता है मिसकैरेज के। अगर हम किसी तरीके से मिसकैरेज से बच जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ को ये असर कर सकता है कि उसका बच्चे का जो बर्थ वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता है, या जितना उसे प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए वो नहीं ग्रो करता है। और ये भी देखा गया है कि इस तरीके के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें न्यूरोमोटर डेवलपमेंट मतलब कि उनकी रिएक्शन करने की ताकत या उनका IQ या मेंटल डेवलपमेंट सामान्य बच्चों के मुकाबले में कम रहता है। तो TSH हार्मोन का प्रेगनेंसी के दौरान लेवल में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो सके, उसका न्यूरोनल एक्टिविटीज़ जो है, जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो अच्छे हो सके। और साथ के साथ अगर प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स बढ़े हुए रहते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर में भी कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना या मदर का ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन करना और उसकी वजह से फिर आगे की और कॉम्प्लिकेशंस होना, या बहुत ज़्यादा केसेस में कमर में दर्द होना या टांगों में दर्द होना। तो अगर हम लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आइडियली हमें प्रेगनेंसी रुकने से पहले ही TSH लेवल्स का चेकअप कराना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रेगनेंसी रुकने के टाइम वे नॉर्मल लेवल में हो। और अगर किसी वजह से हम लोग नहीं करा पाए हैं तो जैसे ही हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है हमें TSH लेवल्स चेक कराने चाहिए, और इस बात को अपने से दिमाग से निकाल देना चाहिए कि थायराइड की दवाइयाँ खाने से नुकसान होता है, और अगर ये एक बार स्टार्ट करी गई तो इसे लंबे टाइम तक खाना रहेगा। थायराइड की दवाई खाने से इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि थायराइड लेवल गड़बड़ रहने से शरीर में नुकसान होता है। तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी से पहले या जैसे ही पता चलता है थायराइड लेवल्स चेक कराइए और अपने डॉक्टर से मिल करके थायराइड की दवाइयाँ स्टार्ट करके इसे लेवल में रखिए।